अब खबरें विस्तार से। मानगो में बीती रात गोली चालन की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मानगो थाना में जमकर हंगामा किया। मानगो क्षेत्र में इन दिनों आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। गुटिया, झड़प, गैंग वॉर की आशंका से स्थानीय लोग अक्सर भयक्रांत रहते हैं। शुक्रवार की रात मानगो रोड नंबर 4 के पास असामाजिक तत्वों के बीच झड़प के बाद दो चक्र फायरिंग की घटना हुई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना से स्थानीय लोगों में जमकर आक्रोश देखा गया। सुरक्षा की मांग और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर बस्तीवासियों ने मानगो थाना में जमकर हंगामा भी किया। लोगों का कहना है कि पुलिस निष्क्रिय है और आपराधिक तत्वों का हौसला काफी बढ़ा हुआ है। हेलो, अधिकतर दो कॉपी में था ना, किसी का कौन सी में थे? सुनिए, कौन सी में थे? आप एक एक करके बात करूंगा। हमारे एसपी साहब भी आ गए हैं, अभी बगल के थाना से बोल रहे हैं। ठीक है, बड़े हैं, बड़े हैं, बड़े हैं। हाथ चलाया, हाथ चलाया, मारे पंद्रह सौ का लड़का का भीड़ में आया, गांजा पिया, दारू पिया। कौन लोग था? कौन लोग था? लड़का को नहीं जानते, नाम से किसी का नहीं जानते। हम ड्यूटी से गए करीब 9 बजे। अच्छा। 9 बजे देखे, उसके बाद घर का आवाज़ हुआ, गोली का आवाज़ आया, दो गोली फायर हुआ। प्रशासन किए, उनको एक गोली का खोखा उठा के दिया गया। अंधेला इतना है, वहाँ लाइट का व्यवस्था नहीं है, टावर है, टावर के सामने गोली चला। लड़का जो है बाइक लगा करके वहाँ बैठ करके गांजा शराब पीता है, और जब इधर से हम लोग जब लड़का लोग थोड़ा नीचे गए तो वो लोग क्या किया कि पथराव करने शुरू कर दिया और गोली चलाते हुए बाइक छोड़ करके वो लोग भागा। सूचना पाकर खुद सिटी एसपी प्रभात कुमार मानगो थाना पहुंचे और पूछताछ की, साथ ही लोगों से मामला दर्ज करने को कहा। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की घटना की पुष्टि नहीं की है। इसका जो मामला होता है वहाँ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और हम लोग सफल भी हुए हैं। बट ऐसे अगर कुछ एक कॉलोनी में, कुछ चौराहे पे, कोई जंक्शन पे अगर एक साथ 4-5 लड़के बैठ के बात कर रहे हैं तो उसको हम अड्डाबाजी बोलना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ खोखा भी बरामद हुआ है, एक खोखा की बात सामने आई, उस पे हम जांच कर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान अधिकार दिए जाने के बावजूद आज भी ट्रांसजेंडर और किन्नर बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है। शनिवार को उन्होंने एक रैली के जरिए अपनी मांगों को रखने का प्रयास किया। वर्ष 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ट्रांसजेंडर और किन्नरों को आम लोगों की तरह समान अधिकार देने की घोषणा की गई थी। बावजूद इसके किन्नर अभी भी भेदभाव झेलने को मजबूर है। सरकारी नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा में उन्हें अभी भी हेय दृष्टि से देखा जाता है और समाज से वे कटे रहने को मजबूर हैं। शनिवार को किन्नरों ने एक रैली निकालते हुए अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाया है। वे हाथों में प्लाई कार्ड थामे हुए हैं। बोल रही हूँ, मैं कलकत्ता से आई हूँ। मैं एक स्वतंत्र ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ, जो बंगाल का जो हम लोगों का संस्था है ATHB, ऑल ट्रांसजेंडर एंड हिजड़ास एसोसिएशन इन बंगाल, जिसका कर्णधार रंजिता सिन्हा जी हैं, उनका ट्रस्ट में मैं थोड़ा सा जुड़ी हुई हूँ। तो मैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जमशेदपुर में आज आई हूँ, क्योंकि हाल हम लोगों का LGBTIQ रैली है, जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, इंटरक्वेयर एक्टिविस्ट, मेरा जितना भाई बहन लोग हैं सब इकट्ठा होंगे। ये हम लोग का स्वाभिमान यात्रा है। तो मैं एक ह्यूमन राइट्स होने के लिए, मैं एक ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर एक्टिविस्ट होने के लिए मैं इनको ये मैसेज देना चाहती हूँ आज, पूरी किन्नर समाज बोलो, LGBTIQ वगैरह पूरा समाज को, कि हम लोग भी
इंसान है, अब इंसान की तरह हम लोगों के मानिए। हम लोगों का थर्ड जेंडर का सुप्रीम कोर्ट में नलसा का ओहदा दिया है 2014 साल में, लेकिन अभी तक उनका मुताबिक अभी तक हम लोगों का शास्त्र में, शिक्षा में, नौकरी में कोई कुछ काम धाम नहीं होने वाला है। हम विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल छिनतई और चोरी की घटनाओं का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ा है। आए दिन मोबाइल छिनतई और चोरी की घटनाओं में हो रही वृद्धि पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस की विशेष टीम ने अभियान चलाते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से अलग अलग कंपनियों के स्मार्टफोन बरामद किए हैं। सिटी एसी प्रभात कुमार ने शनिवार को मीडिया को विस्तार से जानकारी देते हुए गिरफ्तारियां भी बताई। चलिए हो गया, निकल गया। ये गिरोह जो मोबाइल शहर में मोबाइल छिनतई करता था, उसको पूरे गिरोह को पता करके गिरफ्तार किया गया है। इससे शहरी क्षेत्र में बहुत सारे कांडों का उद्भेदन हुआ है। रिसेंट में जैसे परसुडी थाना क्षेत्र में छिनतई हुई थी, बर्मा मंज थाना क्षेत्र में छिनतई हुई थी, लास्ट मंथ सीताराम देना थाना क्षेत्र में भी 2 मोबाइल छिनतई हुआ था। और एक बहुत पुराना केस है जो मई 2017 का है, सोनारी थाना क्षेत्र में भी छिनतई हुआ था। तो ये इन सभी कांडों में एक गिरोह है, जो 5-6 लड़के का गिरोह है। ये लोग उसमें घूमते थे मोटरसाइकिल से और ये शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल छीनने का काम करते थे। पूरे गिरोह का खुलासा हुआ है, पूरे गिरोह में जितने लोग शामिल थे उनको पकड़ा गया है। इनके पास से टोटल 6 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल, जो सोनारी में जो स्कूटी यूज हुआ था उस स्कूटी के साथ 2 आदमी और 1 मोबाइल पकड़ाया है। और जो परसुडी थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसके द्वारा, उसमें उद्भेदन के लिए जो टीम लगाई गई थी उसमें 2 मोटरसाइकिल, 5 आदमी और 5 मोबाइल जब्त हुआ है। और उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि वो बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में भी, सीताराम देना डेरा थाना क्षेत्र में भी इस प्रकार का कार्य ऑलरेडी किया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम उमड़ घुमड़ रहा है और अप्रैल की शुरुआत में ही भादों का एहसास करा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के चलते निम्न दबाव का जो क्षेत्र बना है उसके तहत बिहार, झारखंड, उड़ीसा के तटीय इलाकों में आसमान में काले बादल मंडराने लगे हैं और कई स्थानों पर तेज आंधी के बाद जोरदार बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग की माने तो अभी इसी तरह का मौसम रहेगा और कहीं रुक रुक कर तेज हवा चलेगी तो कहीं बारिश होगी और बादल छाए रहेंगे। कपाली में नगर परिषद अध्यक्ष पद की उम्मीदवार शोभा महतो को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। 16 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी है। कपाली नगर परिषद अध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार शोभा रानी महतो को इस बार जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टूट चली विकास की डोर, चलो चले अब कांग्रेस की ओर के नारों के साथ शोभा रानी महतो के समर्थक प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर अजय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस एरिया का महिला है, कपाल क्षेत्र से, कपाली क्षेत्र का नगर परिषद में हम अध्यक्ष खड़े हुए हैं और हम इस क्षेत्र के विकास के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? इस क्षेत्र में जैसे कि नाली नहीं है, लाइन नहीं है और पानी नहीं है, उसका हम समाधान करना चाहते हैं और आशा करती हूँ कि कर पाऊँगी। चुनाव जीतने, अगर आप चुनाव के प्रति जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जीत के प्रति मेरे को पूरा विश्वास है और मैं जीतना चाहती हूं और इस क्षेत्र के विकास करना चाहती हूं। सबसे पहला मुद्दा क्या होगा आपके जीत के बाद? इसलिए सबसे पहला मुद्दा मैं यहां पर एक ठो हॉस्पिटल बनाऊंगी और बस, और इसीलिए वो मेरे सबसे पहले वो मैं करना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए वो रोजगार देना चाहती हूँ।
जैसे रोजगार का कुछ रास्ता, जैसे आंगनबाड़ी, जैसे महिला, जैसे वृद्धा पेंशन में हमारे पूरे कपाली के चारों पंचायत में घूम रहे हैं और भारी से भारी समर्थन मिल रहा है। काहे कि अभी जिसका सरकार है, भाजपा का सरकार है, यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है। राशन कार्ड हुआ, इंदिरा आवास हुआ, रोड नाली आप देख लीजिए, यहाँ पर बहुत खराब स्थिति है। तो इसको हम लोग को करना है। कांग्रेस पार्टी का अगर सरकार आती है तो एक भी यहाँ का समस्या अधूरा नहीं रहेगा, हर समस्या दूर रहेगा। और भी बहुत सा परेशानी है जिसको कांग्रेस पार्टी दूर करे। हमारे क्षेत्र में हमारे पूर्व मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी और सांसद श्री डॉक्टर अजय कुमार जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप सोपा रानी महतो को कांग्रेस पार्टी से, उनको भारी से भारी मतों से